सीधी लास्ट सब टॉपिक ऑफ द टॉपिक ओरिजिन ऑफ कॉर्डेट्स हमारा टॉपिक ओरिजिन ऑफ कॉर्डेट्स जो था उसका लास्ट टॉपिक जो कि आर्थ्रोपोड एंसेस्ट्री थ्योरी है उसके बारे में हम आज देखने वाले हैं मैंने यहाँ पर थोड़े से हैंड रिटन नोट्स दिए हैं एम सॉरी सो यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे समझते जाएंगे पहले थोड़ी फर्स्ट लाइंस को आर्थ्रोपोड एनसिस थ्योरी जो होती है अगर हम उसकी बात करते हैं तो ये इस थ्योरी के अंदर ऐसी कहना चाहिए इन्फॉर्मेशन दी गई कि जिन जब भी कॉर्डेट्स का ओरिजिन हुआ होगा तो कहीं ना कहीं वो आर्थ्रोपोडा जो क्लास सॉरी कहना चाहिए फाइलम आर्थ्रोपोडा होता है वहाँ से उसका ओरिजिन हुआ होगा सो आर्थ्रोपोडा से कौन बने होंगे कॉर्डेट्स बने होंगे इस थ्योरी का कहना ऐसा है तो पहली बात तो हमने इसका मतलब समझ लिया थ्योरी का अब यहाँ पर इन एडिशन टू एनालीड थ्योरी अगर हम एनालीड थ्योरी के एडिशन में ही बात करें तो कुछ ऐसे साइंटिस्ट आए जिन्होंने ये ट्राई किया कि वो प्रूव कर सके कि कॉर्डेट का जो डिसेंट है यानी कॉर्डेट्स का जो इवोल्यूशन है वो कहीं ना कहीं आर्थोपोडा से हुआ होगा जिस तरह से एनालीडा की थ्योरी दी गई थी सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज के बेसिस पर उसी तरह से आर्थोपोडा के लिए भी थ्योरीज बनाई गई स्पेशली किन से गई प्रिमेटिव एरेकनोइट से बनाई गई अगर यहाँ पर स्पेलिंग क्लियर नहीं है तो प्रिमेटिव की स्पेलिंग आपको आती है और एरेक्नोइड्स की ए आर ए सी एच एन ओ आई डी एस तो प्रिमेटिव एरेक्नोइड्स से कहीं ना कहीं इनका ओरिजिन हुआ होगा जो कि अब प्रिमेटिव एरेक्नोइड्स में जो रिप्रेजेंटेशन होती है या फिर प्रिमेटिव एरेक्नोइड्स को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो एनिमल्स कौन हो सकते हैं लिम्यूल्स जिसका दूसरा नाम होता है किंग क्रैप उसके बाद आते हैं स्कॉर्पियंस एंड फॉर्मली बाय एक्सटिंक्ट और सबसे पहले किन से हुआ होगा जो कि एक्सटिंक्ट हो चुके है उनसे हुआ होगा तो आई होप ये लाइन यहाँ पर क्लियर हो रही है कि ये जो प्रिमेटिव एलेक्ट्स है इन्होंने डेवलप करके कॉर्डेट्स को बनाया होगा ये लाइन ये कह रही है यहाँ पर अब आगे क्या होता है अब यहाँ पर एक डायग्राम है यह लिम्बुलस का बनाया गया है तो ये एक साइड में आप बनाएंगे तो अच्छा रहेगा अब समझते हुआ क्या जो एम्फक्स था साइक्लोस्टोम हम यहाँ नोट करेंगे उसको सो so, जो एम्फक्स थे अगर हम इनकी बात करें एम्फियक्स साइक्लोस्टोम्स एंड दी हाईली स्पेशलाइज्ड जो रहे होंगे हाईली स्पेशलाइज्ड जो ऑस्ट्रेकोडम्स रहे होंगे ऑस्ट्रेकोडम्स ठीक है अब हुआ क्या यहाँ पर स्टूडेंट्स एम्फियोक्स साइक्लोस्टोम्स और हाईली स्पेशलाइज्ड ऑस्ट्रेकोडम्स जो रहे होंगे वो ऑर्डोविशियन और डेमोनियन टाइम में रहे होंगे ऑर्डोविशियन ऑर्डोविशियन कॉमा डेमोनियन टाइम उसमें ये ऑर्गेनिजम्स रहे होंगे ऐसा कहा जाता है फिर हुआ क्या कि यहाँ पर आगे थ्योरी की अगर उनके जनरल अपियरेंस की हैबिट्स की हम बात करें तो कुछ ना कुछ वो जो क्वालिटीज है वो मीरोस्टोमेटा से मैच करती है तो ये जो मीरो पर लिख रखा है उसकी जो आ, कहना चाहिए जनरल से बाहर से दिखने का तरीका या उसकी कुछ आदतें है, हैबिट्स होंगी वो किसकी तरह सिमिलर थी वो एम्फियोक्सिस साइक्लोस्टोम्स हाईली स्पेशलाइज ऑस्ट्रेकोडम से कहीं ना कहीं सिमिलर थी और ये तीनों ऑर्गेनिज्म ऑर्डोविजन और डेवोनियन पीरियड में रहते थे उसके बाद क्या हुआ एक साइंटिस्ट आया जिनका नाम था पेटर्न अब ये जो साइंटिस्ट आए पेटन इन्होंने क्या कहा कि अगर हम एनिमल्स को जो कि इंक्लूडेड है मीरोस्टोमेटा के अंदर अगर हम उनकी बात करते हैं तो वो एनिमल्स जैसे कि स्कॉर्पियन हो गए लिम्यूलस हो गए एरेकोनॉइड्स हो गए इन सभी को अगर देखते हैं तो ये खुद भी कॉर्डेट्स के साथ कहीं ना कहीं रिजेंबल करते हैं कॉर्डेट्स के साथ पहले हमने यहाँ पर ये यह बात कही कि एम्फ्योक्सो साइक्रोस्टोम ये सारे जो ऑर्गेनिजम्स थे जो ऑर्डोविशन और डेवोनियन पीरियड में थे वो भी मीरोस्टोमेटा से कहीं ना कहीं रिजेंबल करते हैं उसके बाद हमने ये कहा कि जो मीरोटा है और जो प्रिमेटिव एरेक्नोइड्स इन्होंने मिलकर भी कॉर्डेट्स का ओरिजिन करा होगा और ये भी कॉर्डेट से रिजेम्बल करते हैं तो देखिए यहाँ कॉर्डेट से कनेक्टिंग लिंक्स कितनी ज्यादा बन पा रही है अब यहाँ पर आगे देखिए फिर होता क्या है कि अगर हम अलग अलग कैरेक्टर्स देखें जो कि सिमिलरिटीज शो करते हो तो वो कैरेक्टर्स क्या होंगे सबसे पहला कैरेक्टर जो ब्रेन है और जो क्रेनियल नर्व्स है ब्रेन क्रेनियल नर्व्स यहां मैं एंड लिख रही हूँ आप बी फॉर ब्रेन एंड सी एन फॉर नर्व्स इनकी बात करें कॉर्डेट्स के अंदर और अगर हम बात करें जो सिफेलोथोरेसिक गैंग्लियन मास होता है जो कि एरेक्ट के अंदर होता है तो ब्रेन एंड नर्व्स किन के अंदर कॉर्डेट्स के अंदर और दूसरी तरफ क्या चीज कही मैंने सिफेलो थोरेसिक गैंग्लियोनिक गैंग्लियोनिक मास पर ही हैं so, सो सिफेल, थोड़ा से गेंगोनिक मास जो होते हैं वो किन में पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं एरेक्नोइड्स के अंदर तो ये एरेक्नोइड्स के अंदर है हम इस साइड एरेक्नोइड्स की बात कर रहे हैं और इधर कॉर्डेट्स की करी ब्रेन और क्रीनियल नर्व्स के लिए तो ये एक दूसरे के सिमिलर थी फिर आगे देखा कि जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं स्पेशली जो आइज होती है वो मोर और लेस कम्पेरेबल थी यानी कहीं ना कहीं उनमें आइज भी पाई जा रही थी और बहुत ज्यादा सेम भी हम कह सकते ज्यादा डिफरेंसेस भी नहीं थे तो सेंस और वो भी कौन से है? आईज हो गए फिर उसके बाद क्या हुआ फिर उसके बाद हुआ ये कि अगर हम बात करते हैं कि मान लीजिए जो लिम्युलस रहा होगा उसका अगर हम जो इंटरनल स्केलेटल पार्ट है अगर हम वो देखें तो उसका जो इंटरनल स्केलेटन होगा उसको कहा जाता है एंडोक्रेनियम तो यहां लिखेंगे इसी तरफ आएगा एरेक्नोइट्स में क्योंकि लिम्युलस इसी साइड आएगा लिमुलस so, में उसका जो इंटरनल स्केलेटल पार्ट है उसका नाम क्या दिख रहा है हम यहाँ पर एंडोक्रेनियम लिख रहे हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे एंडो क्रेनियम

Uh, जो होते हैं और जो वर्टिब्रेट्स स्कल होता है वर्टिब्रेट्स का स्कल जो um, उनके ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है स्कल ठीक है तो अब यहाँ पर क्या बात की जा रही है रिप्स और वर्टिब्रेट्स स्कल किसके सिमिलर थे वो लिमिलस के सिमिलर थे जिसके अंदर उसका इंटरनल स्केलेटल पार्ट दैट इज एंड्रेनियम और स्टर्नम था तो ये वाली बात यहाँ पर क्लियर होती है उसके बाद क्या हुआ स्टूडेंट्स की आ, और भी सिमिलैरिटीज देखने को मिली जैसे कि अगर हम बात करें हार्ट और एट्रियल सिस्टम आर्टेरियल सिस्टम की तो दोनों ही ग्रुप में वो सेम था तो हार्ट और System, दोनों ही हार्ट एंड में आती है हो उसके बाद क्या हुआ पैटर्न ने ये डिमोन्स्ट्रेट करा पैटर्न ये जो साइंटिस्ट है इन्होंने ये भी डिमोन्स्ट्रेट करा कि जो जॉज होते हैं ऑस्ट्रेकोडम्स में वो भी सिमिलर होते हैं आर्थ्रो के अंदर यानी कि अभी हमने यहाँ जो ऑस्ट्रिकोडम्स देखे थे ऑस्ट्रिकोडम्स इनके अंदर जो जॉज होंगे इनके जॉज वो किसके सिमिलर होंगे वो भी सिमिलर होंगे आर्थ्रोपोर्ट्स को लेकर तो आर्थ्रोपोर्ट्स और ऑस्ट्रिकोडम्स यानी कि मीरोस्टोमेटा का कह सकते हो आप तो इनकी सिमिलरिटीज होगी यहाँ पे इनकी भी सिमिलरिटीज करते जा रहे हैं हम लोग सो so, इन सभी अब वो के बेसिस पर दो ग्रुप्स के अंदर आप ये कह सकते हो कि कुछ डिसिमिलरिटीज भी रही होगी जो कि एनाटोमिकल एमिरोलॉजिकल फ्यूजोलॉजिकल फीचर्स में आई होगी इन दीज एनिमल्स डेट दी आर्थ्रोपोर्ट एनसिस्ट्री है लेकिन कुछ डिसिमिलरिटीज आने की वजह से जो आर्थ्रोपोर्ट की एनसिस्ट्री वाली थ्योरी थी इसको भी डिस्कार्ड कर दिया गया मान्यता नहीं मिली The theory regarding the origin of vertebrate propounded by Gaskell in 1908 has also discarded the arachnoid arthropod ancestry theory. साथ में एक थ्योरी जो और आई थी जो कि एक साइंटिस्ट जिनका नाम था Gaskell. एक साइंटिस्ट आए थे गास्किल नाम था उनका 1908 की बात थी उन्होंने भी एक थ्योरी दी थी और उनकी थ्योरी क्या थी जो ओरिजिन ऑफ वर्टिब्रेट है वो कैसे हुआ होगा उन्होंने ओरिजिन ऑफ वर्टिब्रेट को एक्सप्लेन करा था तो जब उनकी ये जो थ्योरी आई थी ओरिजिन ऑफ और वर्टिब्रेट की गास्किल थ्योरी आप उन्हें उसे कहते हैं तो उन्होंने भी जब अपनी थ्योरी दी तो उससे भी सीधे सीधे ये जो आर्थ्रोपोर्ट एनसेस्ट्री थ्योरी थी ये भी डिस्कार्ड होगी तो के बेसिस पे प्लस ये जो गास्केल की थ्योरी आई थी वो भी उसको डिस्कार्ड करने वाली थ्योरी बनी सो तो ये सारी चीजें हमने ओरिजिन ऑफ कॉर्डेट्स में देखी वर्टिब्रेट सेक्शन को हम अलग से लेंगे क्योंकि उसके मॉर्फोलॉजी स्ट्रक्चर उनके फंक्शन सब एक साइड आ जाएंगे सो ओरिजिन ऑफ कॉर्डेट्स इज कम्प्लीटेड एंड That was all about our today's lecture. Don't forget to like, share, and subscribe.